हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले आज के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 15775। एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास ही ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स और रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ आया। और ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 15711 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 15690 ये भी अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और दोबारा जब ऊपर आया तो ब्रेकडाउन लेवल को एज अ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से आया टूवर्ड साउथ की तरफ फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ। तो शुरू में एक घंटा फॉल आने के बाद पूरा दिन निफ्टी इंडेक्स एक साइडवेज टू अपवर्ड मोमेंटम में हमें ट्रेड करते हुए दिखा। तो कल के एनालिसिस का ये रिव्यू था। लेवल्स फिर से एक बार एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस के काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देता हूँ। अगर आप हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ऐप के, तो आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको हमारे अंडर ओपन करना है। जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा ज़ीरोधा का या फिर अपस्टॉक्स का, 5 पैसा का, एंजल ब्रोकिंग का। आपको यहाँ पर आपका डिटेल्स डालना है और आगे कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके, फिर आपको हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स में ऐड किया जाएगा। तो एक ये छोटा सा क्विकली इंट्रो था, चलते 60 मिनट के चार्ट में। उससे पहले डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में बार बार हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक बन रहा है ये, यहाँ पे एक सेकेंड और बड़ा कर देते हैं इसे, एक यहाँ पे बन चुका है, एक पास्ट में बना था ये अभी 2 दिन पहले, और आज भी हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक बना है। लेकिन ये सिग्नल है कन्फर्मेशन के लिए, इसे कन्फर्मेशन के लिए एक रेड कैंडल बनाना होगा जो ये हैंगिंग मैन कैंडल का लो कंफर्टेबली ब्रेक करे, तो हमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का कन्फर्म सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, कन्फर्मेशन के लिए वेट करना होगा। चलते अभी 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। काफ़ी सिंपल है इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। ये जो रेड कैंडल बना है उसके हाई और लो के रेंज में आज पूरा दिन निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, तो ये कैंडल का हाई और लो हमारा बन सकता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल। तो ऊपर 15775 ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय यहाँ पर बना सकते हैं। और 15789 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 15804, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, ब्रेकडाउन लेवल को कम्फर्टेबली ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 15673 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है 4 दिन पहले 15656 के पास, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 60 मिनट के चार्ट पर चलना होगा। उससे पहले ये 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए, जब दोबारा कोशिश की तो एग्जैक्ट सेकेंड लेवल के सेकेंड टारगेट के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आज काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। हो सके अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। 60 मिनट के चार्ट पर चलेंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अभी ये देखिए, ये पूरा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। अभी अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का आर्ली चार्ट में जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है यानी अराउंड 35,000 के आसपास, तो 35,000 राउंड फिगर कर देते, तो अगर इसको ब्रेक करे तो इंट्राडे के लिए कल हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34923, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34842, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो ये जो दोनों भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस है दोनों को भी कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। इसके ऊपर अगर 35332 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35409, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35490, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए यानी 9 जून के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।